अस्सलामुअलैकुम यार, वेलकम टू माई चैनल पाक फोर्सेस गेज। आज हम बात करेंगे पीएफ एयरमैन मेरिट लिस्ट 2022 के बारे में। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो GCNPF, उनकी ट्रेनिंग, सैलरी, ड्यूटीज़, कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती है, तो इन तमाम के बारे में, और उसके बाद दूसरी वीडियो भी अपलोड होनी है इंशाल्लाह, प्रोवोस्ट एंड पीएफ, उनकी ट्रेनिंग के हवाले से जानेंगे, उसमें ड्यूटीज़, सैलरी क्या होती है और अदर बेनिफिट क्या हैं वो जानेंगे। तो इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो पीएफ एयरमैन के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनके फ़ाइनल लिस्ट के बारे में बताना था कि उनकी फ़ाइनल लिस्ट तकरीबन तैयार हो चुकी है। सिलेक्शन सेंटर की इंफॉर्मेशन से ये पता चला है कि मेरिट लिस्ट तैयार है और इंशाल्लाह अप्रैल से ट्रेनिंग इनकी स्टार्ट होनी है, और इसमें कुछ बंदे अभी होंगे और बाकी जो कुछ बंदे नेक्स्ट बैच में बुलाए जाएंगे। नेक्स्ट बैच का एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर में स्टार्ट होगा। तो इसमें कौन कौन से बंदे हैं और उनको कब कॉल की जाएगी या किस तरह इन्फॉर्म किया जाएगा, इस पर थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, अपडेट देता हूँ। इस पर अपडेट यही है कि लिस्टें तैयार हो गई हैं और जैसे सिलेक्शन सेंटर पे पहुँचेंगी तो वो आपको कॉल करके आपको टाइम देंगे कि इस टाइम पे आप पहुँच जाएँ। तो तकरीबन एक सिलेक्शन सेंटर से 50 से 60 बंदों एक्सपेक्ट हैं कि 7 बंदे जाएंगे। तो ओवरऑल तमाम पाकिस्तान से जितने भी सिलेक्शन सेंटर हैं उन तमाम से फिर वहाँ पर ट्रेनिंग में क्वार्ट में पहुँचेंगे। तो एक सिलेक्शन सेंटर का जो बताया गया है इस दफ़ा वो 50 से 60 तक का कोटा है जिनको ये बुलाएंगे, जिनमें टेक्नीशियन भी होंगे और बाकी ट्रेड के भी हैं तमाम मिला के। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह तमाम जो दोस्त वेट कर रहे हैं उनका नाम हो, जितने भी जिन्होंने अप्लाई किए थे सबको सब सिलेक्ट हो जाएँ, सबको अल्लाह ताला रोज़गार दे। तो इसमें उन्होंने मेहनत की है। तो नेक्स्ट इस पर सिविलियन की इंडक्शन के बारे में बताना चाहूँगा कि उसको भी कुछ लेटर इशू हुए हैं, इक्का दुक्का हो गए हैं, बाकी भी स्टार्ट होंगे, उनका भी ये एक्सपेक्ट है कि मार्च के एंड में स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी दबाएँ ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।